तो आज का वीडियो है टाटा एस का लाइटिंग का बारे में, जो लाइट जलता नहीं उसके बारे में आज वायरिंग का देखेंगे हम लोग, क्या क्या होता है नहीं होता है। चलो दोस्तों, पहला हम लोग गाड़ी के अंदर चलेंगे। चलो दोस्तों, गाड़ी के अंदर आया मैंने। गाड़ी के अंदर आने के बाद में अब हम चाबी ऑन करेंगे गाड़ी का। ऑन करने पर सारे लाइट आ गया, तुम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग हेडलाइट ऑन करेंगे। अभी हम तुम लोग देख सकते हैं आगे हेडलाइट जलता है। ये तुम्हारा लो बीम हो गया, तब मैं हाई बीम चालू करता है, बंद हो जाता है। उसके बाद में और एक प्रॉब्लम है ये गाड़ी का, हम लोग देख सकते हैं। जो मीटर है, मीटर के अंदर लोग देख सकता है नहीं देख सकता मालूम नहीं, कभी हमें ब्रेक मारेगा, ब्रेक का पेडल दबाएगा तब इधर मीटर के अंदर लाइट चलता है, देख सकते हैं। शायद तुम लोग दिखाई नहीं देगा, देख सकते हैं। देख, कभी मैं ब्रेक मारता है तभी लाइट चलता है, पार्किंग का डिम लाइट। जब हम लोग हेडलाइट ऑन करते हैं वो लाइट ब्रेक मारेगा चलेगा, देखो ब्रेक में कभी मारते हैं तब चलता है, बंद होता है। ये दोनों के बारे में आज देखने का हम लोग। इसके सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हेडलाइट का। पहले दोस्त हम लोग हेडलाइट का जो कॉम्बिनेशन स्विच है, ये स्विच है, इसको वायरिंग का पास चेक करना पड़ेगा। तब कभी इधर वायर गर्म होता है, इधर ये सॉकेट में कभी खोल के चेक करने का। अभी देख सकते हैं खोल दिया मैंने, खोलने का ये देख ये बटन है, इसको दबाने का खींचना चाहिए। इधर एक हाथ पकड़ सकते हैं और दूसरा साइड में ऐसा पकड़ के, नहीं आया तो अंदर एक बार ढकल के फिर से खींच सकते हैं, आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखने का ये पिन है, जो इसका पिन के अंदर कुछ गर्म हुआ कुछ जला वाला है तो देखने का, ये तो सब ठीक है। इधर भी एक बार चेक कर देंगे हम लोग, इधर भी ठीक है, लूज कनेक्ट कुछ वगैरह नहीं है। बाद में एक ऐसा था वैसा लगा देंगे हम लोग, ऐसा दबा देना चाहिए, आवाज़ आना चाहिए लॉक होने के बाद। बाद में तो हम लोग ऊपर करेंगे वायर को, कैसा था वैसा। उसके बाद में नेक्स्ट चेक करेंगे फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ चाहिए क्या। दोस्तों हम लोग फ्यूज़ बॉक्स होता है राइट साइड में होता है, सॉरी लेफ्ट साइड होता है। दोस्तों हम लोग दिखाई नहीं देगा, फ्लैश ऑन कर देता मैं। अभी देख सकते हैं ये फ्यूज़ बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स में लिखा हुआ है, देख सकते हैं हाई बीम लो बीम करके। आपका लो बीम तो चलता है, हाई बीम का स्विच करने का। दोस्तों कभी क्या होता है फ्यूज़ के वजह भी नहीं चलता रहता है, इसको ना निकाल के चेक कर सकते हैं, थोड़ा जाम रहता है, प्लेयर लेके खोल सकते हैं। फ्यूज़ से ठीक है, दूसरा फ्यूज चेक कर देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी फ्यूज ठीक है। जो इसके बीच में तार रहता है वो कट होता है तब फ्यूज उड़ जाता है, शॉर्ट वगैरह हुआ तो। ये फ्यूज तो ठीक है, इसको बाद में ये लगा देंगे हम लोग। ये लगाने के बाद में दोस्तों थोड़ा होल्ड टाटा इसका रिले आता है हेडलाइट का, थोड़ा गाड़ी में नहीं आता है। ये गाड़ी के रिले वगैरह कुछ है तो चेक करेंगे। फ्यूज बॉक्स को थोड़ा आगे गए तो ये देख सकते हैं रिले सिस्टम है, ये गाड़ी का दो रिले है, लो हाई करके इसको निकालेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों ये रिले में पीछे तरफ देखा तो एक रिले जला हुआ है वायरिंग, ये देख सकते हैं हीट हुआ, देख सकते हैं। अभी ये रिले निकाल देंगे हम लोग, ये रिले निकाल के देखा तो देख सकते हैं दोस्तों इधर देख जला हुआ है रिले। इस जलाने के बाद में ये लाइट चलता है, बल्ब वगैरह कुछ गया क्या चेक करने के लिए हम लोग ऐसे एक तार लेंगे। तार लेने के बाद में जो ये पॉइंट है और दूसरा सामने वाला पॉइंट है, ये दोनों शॉर्ट करेंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों दोनों वायर को शॉर्ट किया मैंने। उसके बाद में हेडलाइट को चेक करेंगे, हेडलाइट तो जलता है हाई बीम का,
अभी हम लोग वायर जो लगाया था वो वायर निकाल देंगे, उसके बाद में हम लोग जो ये रिले है ये नया डाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये केस में रिले तो नहीं लगना वाला लगता है, हम लोग नया रिले लेके के लगा के देखेंगे, नहीं वो तो ये पूरा वायरिंग काट करके नया दूसरा रिले का वायरिंग करना पड़ेगा। इसको वीडियो बाद में अगले वीडियो आया तो देखो तुम लोग दोस्तों। इसके बाद में ब्रेक मारा तो जो तब क्लस्टर में इंडिकेट होता है जो पार्किंग लाइट, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग पीछे जाएंगे, जो टेल लाइट है उसका पास जाएंगे, उधर दोनों कवर खोल देंगे। मैंने तुम लोग देख सकते हैं मैंने पहला ही खोल दिया, खोलने के बाद में जो ब्रेक बल्ब रहता है डबल पॉइंट का ये बल्ब निकालेंगे। दोस्तों निकालने के बाद में फिर से हम लोग चेक करेंगे, यानी देख सकते हैं तुम लोग ब्रेक दबाता है। नहीं चालू हो रहा है, इसका प्रॉब्लम था बल्ब का। अभी हम लोग बल्ब चेक करेंगे दोस्तों। ये बल्ब देख सकते हैं एक साइड का राइट साइड का, ये बल्ब तो ठीक है, लेकिन दूसरा बल्ब देख सकते हैं जो मेल्ट हुआ एक साइड क्रॉस होके दूसरा पॉइंट में टच हुआ, देख सकते हैं इसके वजह से शॉर्ट हुआ हो गया लफड़ा सब। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो पीछे का पॉइंट रहता है इधर मेल्ट होता है, ये दोनों शॉर्ट हो जाता है उधर वायरिंग का पास। कभी कभी उधर भी चेक करने का होता है, नहीं हुआ तो अगर हुआ तो ये सब बल्ब पर लफड़ा रहता है। अभी ये दोनों बल्ब नया डाला तो हो जाएगा शायद। इतना है दोस्तों ये वीडियो के बारे में। उसके बाद में जो मैं पार्ट्स लेके आएगा लकीने के बाद में तुम लोग को वीडियो अपलोड करेंगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो।